तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो यार दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट की एक ऐसी वेबसाइट के बारे में जिसकी वजह से आप लोग बना सकते हो फ्री माइनक्राफ्ट सर्वर, वो भी किसी भी वर्जन के, लगभग किसी भी वर्जन के आप लोग फ्री माइनक्राफ्ट सर्वर बना सकते हो। बेडरॉक, जावा, पेपर, पॉकेट पॉकेट माइन सबके। तो यार तो ये वेबसाइट है, ये एटनोस नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, ये वेबसाइट ना एटनोस है, ना माइन हट है, ना कोई ऐसी और वेबसाइट है। ये वेबसाइट का नाम आप लोगों ने शायद से सुना होगा, पर ये वेबसाइट असल में काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। और जो इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस, इस वेबसाइट के अंदर आपको बिल्कुल भी वेटिंग नहीं करना पड़ेगा। मान लो कि आप लोग सर्वर बनाते हो और आप लोग सोचते हो कि आपको एटनोस देता है, इसके अंदर वेट करना पड़ेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सर्वर स्टार्ट करते ही बस स्टार्ट हो जाएगा, 1% भी इसके अंदर क्यों नहीं है, मतलब जो वेटेज होता है वो वेट जो वेट होता है वो 1% भी नहीं करना पड़ेगा आपको। आप सीधा बस सर्वर स्टार्ट करो और आपको प्ले कर सकते हो। यार चलिए, अब मैं बिना टाइम खोटे के आपको सर्वर पे ले जाता हूँ। तो यार हम लोग आ गए हैं वेबसाइट के ऊपर, और जो वेबसाइट का नाम है वो है, ये रहा वो नाम, ये बहुत ही पवित्र नाम है, तो उसको पवित्र तरीके से लेते हैं, जो है फेलिक्स नोट्स की। और जो ये वेबसाइट है ये हमें प्रोवाइड करेगी फ्री माइनक्राफ्ट सर्वर, वो भी 424 आवर्स, और साथ साथ इसकी रैम और मेमोरी भी काफ़ी हाई है। तो हमें इसके अंदर सबसे पहले करना होगा लॉगिन और रजिस्टर। तो लॉगिन और रजिस्टर कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉगिन और रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर के जस्ट नीचे ये जो दो ऑप्शन दिख रहे हो आपके, डिस्कॉर्ड और डिस्कॉर्ड विदाउट ऑफर, तो आपको सिंपली इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और आप लोग चाहो तो डिस्कॉर्ड के थ्रू भी कर सकते हो और डिस्कॉर्ड विदाउट ऑफर के थ्रू भी कर सकते हो। फर्क ये बता होगा, जो डिस्कॉर्ड जो डिस अगर आप सीधा डायरेक्ट जो ये डिस्कॉर्ड है इससे करते हो तो क्या होगा कि जो ये ना जो आपको ये बहुत सारे ऐसे सर्वर्स में ऐसे सर्वर्स के अंदर ऑटोमेटिक ज्वाइन कर देगा डिस्कॉर्ड के अंदर, जो कि ना आपको इनके लिए कुछ काम कर, मतलब इनके लिए कुछ गिव अवेज करते हैं या जिनको ये लोग प्रमोट करते हैं। और जो डिस्कॉर्ड विदाउट ऑफर्स में अगर आप लोग करते हैं तो ये आपको किसी सर्वर के अंदर ज्वाइन नहीं करेंगे, बस आप सिंपली इसके अंदर लॉग इन हो जाओगे। तो अब चलो हम लोग कर लेते हैं डिस्कॉर्ड विदाउट ऑफर्स के ऊपर क्लिक, और डिस्कॉर्ड विदाउट ऑफर्स पर क्लिक करते ही ये हो गई मेरी लोडिंग स्टार्ट, और अब मेरे आ गया है सर्वर का जो डिस्कॉर्ड का ऑथराइजेशन वाला पैनल होता है वो। तो मेरे को सिंपली डिस्कॉर्ड को सर्वर को ऑथराइज कर देना, अगर आपके नहीं आता तो आपको सिंपली डिस्कॉर्ड को साइन इन करना है, उसके बाद करना है, ये आपको पता ही होगा क्योंकि लगभग हर बंदे को पता होता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप देखिए आपको पता चल जाएगा बाद में। तो देखिए मैं आ गया उधर, तो आप जैसे खोलोगे तो आपके उसको जिस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कि चेकआउट प्रीमियम, तो हमें कौन सा प्रीमियम देखना है, हमें फ्री सर्वर बनाना है, हमें उससे कोई लालच नहीं है, तो हमें क्या करना है, हमें सीधा यहाँ पर जो ये कंटिन्यू बैठो फेलिक्स नोट्स है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही ये पैनल हट जाएगा, तो मैं कर देता हूँ इसके ऊपर क्लिक, और ये मैंने किया इसके ऊपर क्लिक और ये मेरे हट गया। और यहाँ देख रहे हो आप कोई भी सर्वर का कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ से सिर्फ ऐड से ऐसे आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और इस ऐड को स्किप कर देना, मतलब इसको इग्नोर मारो यार। और यहाँ नीचे जाते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन जो है सर्वर्स का। तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो सर्वर की मेमोरी और डिस्क आप लोग देख सकते हो, जैसा कि काफ़ी ज़्यादा हाई है जो एटनोस के मुकाबले। एटनोस पे मेरे हिसाब से लगभग 2400 MB का कुछ मिलता है, और यहाँ पर मेरे को 15 GB की डिस्क मिल रही है और काफ़ी अच्छी है उस हिसाब से। तो और साथ साथ यहाँ पर मैंने एक सर्वर सैंपल के तौर पर क्रिएट किया हुआ आप लोगों के लिए, और मैं अभी आपको एक और सर्वर क्रिएट करके दिखाता हूँ आपके सामने। और यहाँ पर आप चाहो तो एक्सेस में जाकर उसको डिलीट भी कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये बटन, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर ये आपका पूरा साइड वाला बार खुल जाएगा। आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पर क्रिएट सर्वर का ऑप्शन है, सीधा इसके ऊपर क्लिक करना है, बस इसके ऊपर बटन उसको दबा दो, और इसको दबाते क्या होगा, इसको दबाते ही सर्वर की वेबसाइट खुल जाएगी। अगर नहीं खुलती है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद खुलेगी, नहीं खुलती मेरी गारंटी है खुलेगी, क्यों नहीं खुलेगी। और अब देखो, अब यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आपके पास आएगा सर्वर का नेम डालने का ऑप्शन, जो ये रहा सब कुछ ब्लैकआउट है, उसका क्या दिखाई ना दे रहा हो, तो आँखों का इलाज कराओ भाई, आँखों में प्रॉब्लम है। और क्या करना है, मुझे यहाँ पर सर्वर का नाम डालना है, तो मैं यहाँ सर्वर का नाम डाल देता हूँ टेस्ट सर्वर, क्योंकि यार ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए बना रहा हूँ, इस सर्वर का मैं कोई यूज़ नहीं करने वाला, तो मैंने बना दिया टेस्ट सर्वर। और उसके बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का क्रिएट बटन है इसको जोर जोर से दबा देना एक बार, तो उसके एक बार दबाते ही क्या होगा कि मेरा सर्वर होगा वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा।
तो ये देखो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया कि मेरा सर्वर है वो क्रिएट हो गया है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सीधा नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, एड्स आएगी उनको इग्नोर मारना है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक दूसरा सर्वर भी आ गया है मेरे पास, जो यहाँ पर आप देख सकते हो जो है टेस्ट सर्वर जो पहले था, पहले से भी ऊपर वाला सर्वर दिखा रहा था, पर अब यहाँ पर एक नीचे टेस्ट सर्वर भी दिखा रहा है। और इसके अंदर भी सारे के सारे वही सेम चीज़ है, सेम मेमोरी, सेम रैम, सेम सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। आप लोग देख सकते हैं ये देखो रैम, मेमोरी, कोर, डेटा बेस या सब कुछ सेम है। आप इसके अंदर मैक्सिमम एक आईडी से तीन सर्वर्स बना सकते हो। और अगर आप और सर्वर्स के लिए खरीदना चाह मतलब अगर आप और सर्वर बनाना चाहते हो, उसके लिए स्पेस खरीदना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा जो उनके कॉइन्स है वो कलेक्ट करने हैं। जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये देखो ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर फिलिक्स कॉइन नाम का जो है, यहाँ पर आप चाहो तो इनसे इन कॉइन्स की मदद से और सर्वर की जो रूम्स होते हैं वो बाय कर सकते हो। तो यार इनको बाय करने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको या तो इनकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है, या तो फिर जो इनका मतलब जो इनका लिंक है उसको शेयर करना है दूसरे लोगों के साथ, ताकि वो लोग ज्वाइन करें अपने रेफर कोड से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये आ गया मेरा सारा। तो अब जैसे मान लो मुझे अब ये सर्वर ऑन करना है, तो ये सर्वर यहाँ से तो ऑन हो नहीं रहा है, मैं कहाँ से ऑन करूँगा, तो फिर से आपको करना है, फिर से आप लोगों को यहाँ पर ये ऑन कर देना है। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करो एक बार फिर से, जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर मेरे पास है ना लास्ट में ऑप्शन आएगा कि है ना यहाँ पर लास्ट में लॉगिन टू पैनल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं दबा देता हूँ उसको, तो उसको दबाते ही क्या होगा कि यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कि जो मेरा यूज़र नेम होगा वो होगा वो वाला ईमेल एड्रेस होगा जिस जो डिस्कॉर्ड अकाउंट में था जिससे आप लोगों ने इस आईडी में लॉगिन किया था। और दूसरा बता देगा कि जो आपका पासवर्ड होगा वो ईमेल आईडी के इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हमें सिंपली बस वो देखना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो लॉगिन टू पैनल का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक कर दो। यहाँ पर ये लॉगिन पैनल का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना। इसके ऊपर क्लिक करते क्या होगा कि आप लोग सीधे जाओगे इसकी लॉगिन पेज के ऊपर। भाई थक गया मैं तो, बोल बोल के थक गया हूँ तुम्हारे लिए, पर कोई बात नहीं। तो चलते हैं लॉगिन पैनल के ऊपर। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ लॉगिन पैनल के ऊपर, तो यहाँ पर ही मेरे को लेके जाएगा लॉगिन पैनल से। ये देख सकते हो ये आ गया हूँ मैं लॉगिन पैनल के ऊपर, और ये थोड़ा बहुत लोड होने में टाइम दे रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क स्पीड थोड़ा स्लो है, पर चलता है कोई बात नहीं। और जैसे देख सकते हो यहाँ पर मैं आ गया हूँ लॉगिन पैनल के ऊपर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का होगा, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट होगा, उसको स्किप करो। यहाँ पर नीचे जो आपने सर्वर क्रिएट किया था वो दोनों को दोनों सर्वर क्रिएट मिल जाएंगे, जो हमने दो सर्वर क्रिएट किए थे आप देख सकते हो दोनों के दोनों यहाँ पर आए। यहाँ पर है टेस्ट और जो माइनक्राफ्ट पेन था वाला भी है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपली जो हमने अभी सर्वर बनाया था वो खोल लेते हैं, जो था टेस्ट सर्वर। तो जैसे मैं टेस्ट सर्वर खोलता हूँ तो मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। ये है मेरा सबसे पहला कंसोल। तो यार यहाँ पर मेरे को ये देख सकते हो यहाँ पर जो यहाँ पर मेरे को पूरा स्टेटस पता चल जाता है कि इसने कितनी सीपीयू यूज़ किया है, कितनी रैम यूज़ कर रहा है, और साथ साथ जो इसकी स्टोरेज है वो कितनी भर चुकी है, ये पूरा अपडेट मेरे को यहाँ पर देता रहेगा। और साथ साथ बाकी यहाँ पर आपको स्टार्ट, स्टॉप और रीस्टार्ट करने के ऑप्शन भी दिख जाते हैं। और स्टॉप करने के बाद अगर आप इसको स्टार्ट करके स्टॉप कर दें तो वहाँ पर किल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी मैं आपको बता देता हूँ नीचे जाना, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर एड्स आएगी इनको स्किप करो। यहाँ पर नीचे आपको कंसोल दिख रहा होगा, देखो भाई एकदम बढ़िया कंसोल है। और फिर से ऊपर जाओ, ऊपर जाकर आपको सिंपली ये स्टार्ट का बटन है, इसको क्लिक करके सर्वर को स्टार्ट करो। तो सर्वर को स्टार्ट करना है, सर्वर को स्टार्ट कर दिया हमने। स्टार्ट करने के बाद फिर से कंसोल पे जाना है, और कंसोल पे जाते ही आप लोग देखोगे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से लोडिंग होने स्टार्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पर इनके वेबसाइट का नाम लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे माइनक्राफ्ट जो माइनक्राफ्ट के वजन होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जितने भी माइनक्राफ्ट सर्वर वर्जन होते हैं वो सबके सब। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो भी सर्वर का वर्जन आपको बनाना है आपको वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको जावा के भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि जावा का पेपर MCC और विनीला बेडरॉक भी होगा यहाँ पर, देखा तो था हमने खा गया। हाँ ये रहा विनीला बेडरॉक, और ये यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट, और भी काफ़ी सारे यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग यूट्यूब या मोइज, और जो बेडरॉक के वो भी हो जाते हैं, जो बेडरॉक का है वो है विनीला बेडरॉक, PMMP जो है पॉकेट माइन MP, और भी दूसरे भी है, और गीजर MC वगैरह। तो अभी हमें बनाना है पॉकेट माइन का सर्वर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पॉकेट माइन का सर्वर है, उसके ठीक आगे कौन सा यहाँ पर ये यह लगा हुआ नंबर, हमें वो नंबर डालना है नीचे।
तो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 नंबर, तो यहाँ पर मेरे को सिंपली क्या करना है, 7 नंबर डाल देना है। तो मैं लिख देता हूँ 7 नंबर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7 नंबर। उसके बाद इसको कर देना है लोड, और इसको लोड करते ही क्या होगा, इसको लोड करते ही यहाँ मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ ये सर्वर स्टार्ट होना शुरू हो गया है, और ये मेरा सर्वर हो रहा है स्टार्ट, और मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट होने के बाद। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम थे, और ये देख सकते हैं कि स्टार्ट हुआ सर्वर, सब कुछ लोड हुआ, पॉकेट माइन की सारी जो फाइल्स थी वो सब डाउनलोड हुई, उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ गया सर्वर रन होना स्टार्ट हो गया। और अब क्या करना है आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऊपर जाना है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको सर्वर रन हो चुका है। और अब आपको चाहिए सर्वर की आई पी और एड्रेस, आई पी और पोर्ट, वो आपको कैसे मिलेगी, आपको क्या करना है, आपको गलती से मैंने बैक ही कर दिया कल, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से टेस्ट पर आ जाता हूँ। और यहाँ जाने के बाद यहाँ पर आपको जो ये दिख रहा होगा ये सर्वर का पोर्ट है, आईपी और पोर्ट है, तो आपको सिंपली अपने सर्वर्स की लिस्ट में रख के ये ऐड कर देना है। और मैं आपको वीडियो के आखिर में इसको चलाकर भी दिखाऊंगा। तो ये बाकी सब कुछ है, और बाकी अगर आपको फाइल्स अपलोड करनी है तो आप फाइल मैनेजर्स में जाके यहाँ पर आप चाहो तो फाइल अपलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको सब तरह की फाइल्स देखने को मिल जाती है, जो है प्लगइन डेटा, प्लगइन्स, रिसोर्स पैक्स, वर्ड्स और ओपी स्टैक्स, पीएन सर्वर प्रॉपर्टीज। आप चाहो तो सर्वर प्रॉपर्टीज़ में जाओ, और सर्वर प्रॉपर्टीज़ में जाके जो यहाँ पर ये आपको पॉकेट माइन का जो ये दिख रहा है, आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर ये पॉकेट माइन एमपी सर्वर का, आप चाहो तो स्टैक्स को चेंज भी कर सकते हो। और आप इसको चेंज करोगे तो जो आपका सर्वर डब डालोगे तो जो सर्वर के नीचे जो टैक्स लिखा हुआ था वो भी चेंज हो जाएगा। जो तो आपको पता होगा मोड नाम का टैक्स होता है वो किस काम आता है, तो आपको पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो अब फिर से हम चल जाते कंसोल पे, और मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी। तो मैंने कर लिया इसको कॉपी, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मेरे को जाना है माइनक्राफ्ट के अंदर। तो मैं चलता हूँ फिर से माइनक्राफ्ट के अंदर। तो यार ये मैंने खोल लिया है, मेरा जो माइनक्राफ्ट था वो खोल लिया है। तो अब मेरे को प्ले पे क्लिक करना है, और प्ले पे क्लिक करके मैं वहाँ पर जाकर मेरे को सर्वर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर गया, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ मैंने ऑलरेडी किससे जो मैंने माइनक्राफ्ट इंजन नाम का सर्वर बनाया था, ये उसका जो है वो मैंने उसको ऐड किया हुआ, जो जिसका मैं आईपी आप लोगों को भी दूंगा जल्दी, क्योंकि वो सर्वर मैं पब्लिकली खोलने वाला हूँ। तो अभी हम लोग जो सर्वर नया है उसकी आईपी फिलहाल फोकस करते हैं, तो मैं उसकी आईपी डाल देता हूँ यहाँ पर, जो ये रही, और ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईपी है, और जो आईपी के पीछे जो ये नंबर दिख रहा है आपको, जो मैं पहले इसको डाल देता हूँ, और जो आईपी के पीछे आपको ये 2296689 वाला नंबर दिख रहा है, ये आपका पोर्ट हो गया, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ ये पोर्ट को अंदर, तो यहाँ पर जाना है मेरे को, और यहाँ पर जाके मुझे सबसे पहले इसको हटा देना, उसके बाद जो ऊपर जो नंबर लिखो तो वो डालना है 2629689689। तो ये डाला मैंने, और उसका ऊपर जाना है, उसके ऊपर कोई भी नाम डालना है तो मैं अपना नाम डाल देता हूँ सब्सक्राइब, जो आपको करना है, और साथ ही डाल देता हूँ एंड लाइव, जो भी आपको करना है। तो डर नहीं रहा है तो मैं यहाँ पर शॉर्ट पेज पे डालूंगा इसको, ये लिखा बना है यहाँ पर लाइव, अब तो करना पड़ेगा भाई। देखो मैंने डाल दिया, इम्पॉसिबल तो पॉसिबल कर दिया है। और यार एक और बात ध्यान रखना, सर्वर का एड्रेस के बाद जो आपने जो पोर्ट था उसको मिटाना मत भूलना, वरना सर्वर लोड नहीं होगा। उसके बाद आपने कर दिया, उसके बाद उसके लास्ट सर्वर को सेव करो, डायरेक्ट प्ले करोगे तो क्या पता सर्वर कनेक्ट कई बार नहीं होता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले सर्वर को सेव करें, उसके बाद प्ले करें, और देख सकते हो कि वहाँ पर जो वहाँ पर टैक्स था वो टैक्स यहाँ पर आ चुका है, जो आप लोग जिसके नीचे वाले सर्वर के अंदर भी है वही ऊपर वाले में भी है। तो अब मैं उसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर जो और यहाँ पर आप देख सकते हो मेम्बर वगैरह जिनको आप चेंज कर सकते हो सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज के अंदर, सब कुछ चेंज हो सकता है इसका A to Z, जो भी मेम्बर्स मोल्ट है, जो नीचे टैक्स आ रहा था वो, बाकी सब कुछ आप चेंज कर सकते हो सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज में। और अगर आपको इसके अंदर ऑपरेटर परमिशन चाहिए तो आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को सीधा फाइल्स मैनेजर खोलना है, और इसके अंदर जहाँ पर सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज मतलब सर्वर डॉट प्रॉपर्टीज नहीं मतलब जो ओपीस टेक्स लिखा हुआ था ना ops.txt, तो आपको सिंपली वाली फाइल खोलनी है, उसके अंदर अपना जो माइनक्राफ्ट का यूज़र नेम है वो उसके अंदर डाल देना है। वो यूज़र नेम डालते ही जो आपका सर्वर होगा वो जो आपका सर्वर होगा वो अपने आप इसके अंदर आपको ओपी बना लेगा। तो उसके लिए आपको सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ेगा या रीलोड करना पड़ेगा कंसोल में रीलोड लिखकर, वो आपकी मर्जी है। तो ये देख सकते हो बातों में सर्वर भी लोड हो गया, तो सर्वर लोड हो गया, चलो चलते हैं अंदर। तो बस हो गया,
तो अभी थोड़ी देर लेगा वर्ड लोड होने में, और देखते तो वर्ड भी काफ़ी जल्दी लोड हुआ, और इस वर्ड के तो फॉरेस्ट तो दूर होगा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एकदम परफेक्ट वर्ड है। और अभी मैंने क्योंकि मैंने ओपी स्ट्राइक करके अपने नाम में डाला था, तो मैं अभी ओपी नहीं, तो मतलब गेम मोड चेंज नहीं कर सकता, तो उसका डिफ्यूट गेम मोड था सर्वाइवल में उसी के अंदर हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये परफेक्ट सर्वर मैंने क्रिएट कर लिया। और अगर आपको इसके तो पैटवर्ड बनाना है तो आप चाहो तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना सकता हूँ, और साथ साथ इसके अंदर कस्टम वर्ड कैसे अपलोड करते हैं मैं उसके ऊपर भी पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो जो मेरे हिसाब से 3-4 दिन के अंदर आ जाएगी, या ऐसा भी हो सकता है कि वो अगले दिन ही आ जाए जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा, या ऐसा हो सकता है कि इस वीडियो को अपलोड करने के 3-4 दिन बाद आए। फिर आप लोग देख सकते हो ये बन चुका है मेरा सर्वर। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना। और बाकी एक और बात बता देता हूँ आप लोगों को, ये सर्वर है वो 24/7 ऑनलाइन रह सकता है अगर आप इसके अंदर प्लगइन डालें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्लगइन के बारे में आपको बताऊँ एक अलग वीडियो के अंदर, तो सिंपली आपको नीचे कमेंट कर देना हैशटैग पटाओ या हैशटैग टैग, जिसकी बाद में आप लोगों को बता दूंगा, जो जो उसका प्लगइन है उसके बारे में बता दूंगा आपको नीचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।